और अहम खबर जयपुर से, जहां पर डेल्टा मेघवाल के दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य महिला आयोग अब सख्त हो गया है। राज्य महिला आयोग को मामले की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मिली है। रिपोर्ट में कॉलेज प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध माना गया। ऐसे में कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर आयोग निर्देश दे सकता है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री से कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर चर्चा हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज की मान्यता रद्द करवाने की बात सुमन शर्मा कह रही हैं। यानी वहां पर बड़े लैप्सेस थे, बड़ी गड़बड़ियां थीं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज की मान्यता पर अब राज्य महिला आयोग सवाल उठा रहा है। जो मेन कल्प्रिट था उसी हॉस्टल में रह रहा था, जो बहुत ही गंभीर था कि एक पीटीआई कैसे, यंग लड़का कैसे उस गर्ल्स हॉस्टल में रह रहा था। इन तीनों को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की हम लोगों ने मांग की और उन तीनों की गिरफ्तारी हुई। और साथ ही जो धाराएं दर्ज हुई उनके खिलाफ, वो धाराएं भी बहुत महत्वपूर्ण, जिनके तहत उसको जेसी हो गई है, वो बक्सा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई आयोग के इनिशिएट करने के बाद ये वहां से पूरी हुई। अब दूसरी डिमांड जो हम सब लोगों की है वो ये है कि कॉलेज के संचालक को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि वहां हो रही थी ये उनकी जानकारी में ना हो ये असंभव है। तीसरी डिमांड ये थी कि कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए। इन दोनों चीजों के लिए मैंने सरकार को पत्र लिख दिया गया, क्योंकि वहां बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अगर तुरंत उसकी मान्यता रद्द की जाती है तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये जो सेशन चल रहा है वो सेशन तो वो कंप्लीट कर लें, आगे उनको मान्यता प्रदान ना की जाए, इसके लिए आयोग ने सरकार को और शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है। और ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। ललित, बहुत सख्त दिखाई दे रहा है महिला आयोग, यहां तक कह रहा है कि मान्यता तक रद्द हो, और इस बात को जानते हुए भी कि कई छात्राएं वहां पर पढ़ रही हैं, कई स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को निकाल दें लेकिन उसके बाद में मान्यता रद्द हो, ये मुकम्मल तौर पर कहना सुमन शर्मा का। जी बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग है ऐसे मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि एक बालिका छात्रावास में एक पुरुष का रहना और उसके बाद उस छात्रा का दुष्कर्म के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का जो मामला है वह काफी गंभीर है। इस मामले को लेकर बहुत से प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए हैं, उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। राहुल, हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो संस्था प्रधान है और पूरा संस्था प्रशासन है उसका कहीं ना कहीं इस मामले में संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री से और जो शिक्षा विभाग है उससे बात कर ली गई है कि अगले सत्र से इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, इसके साथ ही इस मामले की पूरी जांच की जाए। जी बिल्कुल ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता इस जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।